मगर मैं मेरी बात करूं, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कानून बना दिया था, पूजा कंपलसरी। मलाड से अंधेरी पढ़ने के लिए 6:40 की ट्रेन थी, ईस्ट में से वेस्ट में दर्शन करने के जाना, कब उठूं, कब जाऊं, कब मंदिर जाऊं, पूजा करूं, वापिस आऊं। और एक दिन तो मैंने पिताजी को बोल भी दिया था कि पिताजी आप मजबूरी से पूजा करते हो, करवाते हो दबाव से के साथ, आप पर आपका भी प्रेम मेरे पर कम हो जाता है और भगवान भी मुझे पसंद नहीं है। और पिताजी ने इतना कहा था, तेरी चॉइस क्या है मुझे मालूम नहीं है, घर मेरा है, मेरे ढंग से रहना पड़ेगा, कंपलसरी पूजा है। और 19 साल तक एक भी दिन नागा नहीं गया, पूजा कंपलसरी थी। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मैं याद करता हूँ पिताजी को, पिताजी आपका अनंत उपकार कि मेरी चॉइस नहीं देखी, आपकी चॉइस थी और आज ये पवित्र जीवन में पा गया। कौन बाप है अपने बेटे को फोर्स कर सकता है? आज का बेटा, पापा ये गड़बड़ मत करना, ये माहौल बताओ क्या है स्थिति। एक समय था गलती करने से लड़का डरता था, आज गलती निकालने से बाप डरता है। नहीं, बाप डरता है। और आज की ये जनरेशन इतनी विचित्र, शॉर्ट टेम्पर, सुसाइड कर देती है। आज तुमने कितना देखा होगा ना, पबजी गेम खेलने से बाप ने रोका सुसाइड, मोबाइल ले लिया सुसाइड, कुछ कहा पड़ता क्यों नहीं सुसाइड। मैं नागपुर था, एक प्रोफेसर था, एक 22 साल का लड़का सिगरेट पी रहा था, सिर्फ इतना का बेटा सिगरेट पीता है, तेरे पिताजी को पता चुके नहीं, मैं बोल दूंगा सुसाइड। मैंने आपको, आप नंगे होके नाचे, आपको बोलने वाला आपका बाप भी नहीं, आपका माँ नहीं, आपका गुरु नहीं, कोई नहीं। हर बाप रो रहा है, वो बोलता है कि गुरुदेव आपका साधु जीवन कोई भी होगा, हम तो खत्म हो चुके। एक्सेस बोलता हूं तो मुझे रुकना, दिस इज फैक्ट एक्सेस। क्या तुमने क्या किया, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी क्यों नहीं मानता है? अरे मैं घड़ी मर कहू छू, गुरुदेव दीकरो गमे ते वो पूछे मारो ना नथी, पण मारे एने तमने पूछ्यु छे, तमे एम कहो छो के दीकरो गमे तेवो पण मारो तो तमारा दीकराने लागे छे गमे तेमां तो पण मारा पप्पा छे, एने प्रेम छे तमारा ऊपर। केम एने न केवू छे के गमे मारा पप्पा छे, जन्म आप्यो, जीवन आप्यो, संस्कार आप्यो, एटलो मोटो कर्यो, पप्पानो अनंत उपकार छे, बोले तमारो दीकरो आवुं। परफेक्ट प्रेक्टिस।